बहुत उत्साह उमंग का माहौल है। आज झारखंड विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित होने का दिन है। सुबह से ही लेकर अभी तक कई लाख मतों का गिनती हो चुका है और कई सारे प्रत्याशियों का भी जो परिणाम है उनको बता दिया गया है और कुछ जगहों पर अभी गिनती चल रही है। आप सबको मालूम है कि इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य के मतदाता को इस राज्य के आधी आबादी को नौजवानों को महिलाओं को पुरुषों को किसानों को मजदूरों को सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साह पूर्वक लोगों ने मनाया, विशेषकर हमारी राज्य की आधी आबादी महिला समूह जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपके तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी,
जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर शायद रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत मार्जिनल वोट में निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सभी सीटों पर भी हम लोगों की नजर है और अबुआ राज, अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार, मुझे लगता है, ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब लोगों ने राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें कांग्रेस प्रभारी जी साहब की तरफ से भी हम और जो अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।